हेलो एवरीवन आज का जो पैराग्राफ है वो है विंटर सीजन से रिलेटेड इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये जो पैराग्राफ है वो प्रेजेंट टेंस में है ठीक है सारा का सारा पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस में है और बेसिकली इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस यूज़ में किए गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं क्या है पैराग्राफ द मंथ्स ऑफ दिसंबर जनवरी एंड फबररी इज़ द स्पैन फॉर विंटर इन इंडिया द मंथ्स तो मंथ्स यानी महीनों की बात हो रही है ऐसा लगा है महीने कौन कौन से दिसंबर जनवरी और फेबररी हिंदी में कैसे बोलेंगे कि दिसंबर जनवरी और फरवरी ऑफ मंथ्स मतलब के महीने के महीने भारत में इन in इंडिया भारत में इन in इंडिया सर्दियों की अवधि है मतलब कि इज़ मतलब है द स्पैन फॉर विंटर स्पैन फॉर विंटर मतलब सर्दियों की अवधि है इज़ फॉर यहाँ पर सर्दियों की के लिए यूज़ हुआ है फॉर ऑन सम डेज सम यानी कुछ डेज़ मतलब दिन ऑन सम डेज ऑफ विंटर किसके सर्दियों के ऑफ मतलब के तो ऑफ़ का मीनिंग का के की होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम का के की यूज़ करते हैं तो ऑफ़ विंटर यानी कि सर्दियों के ऑन सम डेज़ ऑफ विंटर यानी सर्दियों के कुछ दिनों दिनों में सर्दियों के कुछ दिनों में ऑन डेज ऑफ विंटर द स्काई इज़ क्लाउडी द स्काई स्काई से पहले द आर्टिकल का यूज़ हुआ है तो द आर्टिकल के काफ़ी सारे रूल्स होते हैं जिसमें एक रूल है जो भी इस वर्ल्ड में एक है यानी स्काई जो है आसमान एक है ठीक है मून एक है सन एक है तो वहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो द स्काई इज़ मतलब है क्लाउडी का मतलब होता है बादल छाना आसमान में द स्काई इज़ क्लाउडी स्काई यानी आसमान में बादल छाए रहते हैं ये प्रेजेंट टेंस में है तो रहते हैं द स्काई इज़ क्लाउडी आसमान में बादल छाए रहते हैं बट मोस्ट लेकिन मोस्ट यानी कि ज़्यादातर या अधिकांश डेज़ यानी दिनों लेकिन ज़्यादातर दिनों में मोस्ट डेज मतलब ज़्यादातर दिनों में इट इज़ क्लियर इट इज़ क्लियर क्लियर मत इट यहाँ पर क्लाउड के स्काई uh, के लिए यूज़ हुआ है इट प्रोनाउन का हम स्काई के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ही और शी नहीं करेंगे ठीक है इट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का यूज़ होता है इट इज़ इज मतलब है क्लियर का मतलब साफ इट इज़ क्लियर तब पूरे का मीन देखेंगे हम पहले मैं रीड कर देती हूँ कि ऑन सम डेज ऑफ विंटर द स्काई इज़ क्लाउडी बट ऑन मोस्ट डेज इट इज़ क्लियर इस तरह के कुछ बड़े सेंटेंसेस होंगे उनके टुकड़े करके आप थोड़ा थोड़ा उनको ट्रांसलेट करें वैसे यहाँ पर कॉमा लगी हुई है क्या है ऑन डेज यानी कि कुछ सर्दियों के कुछ दिनों में ऑन सम डेज़ ऑफ विंटर है ना तो सर्दियों के कुछ दिनों में आसमान में बादल छाए रहते हैं द स्काई इज़ क्लाउडी बट ऑन मोस्ट डेज़ इट इज़ क्लियर लेकिन ऑन मोस्ट डेज़ यानी ज़्यादातर दिनों में यह साफ़ रहता है इट इज़ क्लियर यह साफ़ रहता है इट इज़ क्लियर वेयर आगे नेक्स्ट क्या है कि वेयर आई लिव जहाँ मैं रहती हूँ लिव का मतलब रहना होता है ठीक है वेयर आई लिव यानी कि जहाँ मैं रहती हूँ इट इज़ वेरी कोल्ड कोल्ड मतलब ठंडा देयर मतलब वहाँ वहाँ बहुत ठंड है इट इज़ वेरी कोल्ड देयर वेयर आई लिव जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बहुत ठंड है इन विंटर डेज़ आर शॉर्टर इन विंटर मतलब सर्दियों में ठीक है इन में डेज़ मतलब दिन आर शॉर्टर डेज बहुत सारे डेज़ की बात हो रही है एक दिन की बात नहीं है तो आर लगा है नहीं तो इज लगा होता सिंपल प्रेजेंट टेंस में होने का जब भाव होता है तब इज़ है ना जब वहाँ पर कोई काम नहीं होता एक्शन नहीं होता तो इज आर का यूज़ करते हैं आई के साथ तो एम का यूज़ होता है बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पर इज़ का यूज़ करते हैं और यहाँ पर प्लूरल है डेज़ की बात हो रही है तो आर लगा है तो इन विंटर डेज आर शॉर्टर मतलब छोटे सर्दियों में दिन छोटे होते हैं ये इस लाइन का मीन एंड द स्पैन द स्पैन मतलब अवधि ऑफ द नाइट किसकी रात की अवधि इज इज़ लॉन्गर कैसी होती है लंबी होती है लॉन्गर मतलब लंबा तो रात की अवधि लंबी होती है सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रात की अवधि लंबी होती है इन विंटर डेज़ आर शॉर्टर एंड द स्पैन ऑफ द नाइट इज़ लॉन्गर माई मदर मेरी माँ माई मदर मेरी माँ प्रिपेयर्स मतलब तैयार करना या बनाना प्रिपेयर्स यानी कि वर्ब के साथ एस सी आई एस लगता है प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद लगता है ना वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद ही आएगी लेकिन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है ना तब हम वर्ब के साथ एस सी आई एस लगाते हैं ये रूल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ठीक है हॉट चॉकलेट्स हॉट मतलब गर्म चॉकलेट फॉर मी मी यानी मेरे लिए फॉर का लिए मी यानी मेरे ठीक है ऑफ़न ऑफन इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे ऑफन ऑफ़न का मतलब होता है अक्सर इन विंटर यानी कि सर्दियों में मेरी माँ सर्दियों में अक्सर मेरे लिए हॉट चॉकलेट यानी गर्म जो चॉकलेट होते हैं हॉट चॉकलेट ही बोलते हैं बनाती है माई मदर प्रिपेयर्स हॉट चॉकलेट फॉर मी ऑफन इन विंटर सिंपल प्रेजेंटेंस का सेंटेंस है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस आई एस लगा होता है तो सिंपल टेंस का ये सेंटेंस है ये प्रेजेंटेंस में ही है पूरा पैराग्राफ आगे क्या है द विंड्स विंड का मतलब हवा होता है और विंड्स लगा है द विंड्स यानी हवाएं ब्लोइंग विंड्स ब्लोइंग इस पूरे का मीन होता है कि हवा का बहना या चलना विंड्स ब्लोइंग हवा का चलना या बहना इन विंटर सर्दियों में इन विंटर आर फास्ट वेरी कोल्ड एंड चिल्ली चिल्ली का मतलब सर्द और कोल्ड का मतलब ठंडा ठीक है और वेरी कोल्ड मतलब बहुत ठंडा और फास्ट मतलब तेज़ द विंड्स ब्लोइंग इन विंटर आर फास्ट वेरी कोल्ड एंड चिल्ली सर्दियों में चलने वाली हवाएं तेज़ बहुत ठंडी और सर्द होती है तो ये भी है सिंपल टेंस में ठीक है आई फील वेरी एक्टिव आई मतलब मुझे एक्टिव का मतलब होता है तेज़ सक्रिय या फुर्तीला काम करने में और भी तेज़ हो जाना ठीक है फटाफट काम करना ये होता है एक्टिव आई फील फील मतलब महसूस करना आई मतलब मैं फील मतलब महसूस करना वेरी यानी बहुत और एक्टिव का मतलब तेज़ सक्रिय फुर्तीला मैं महसूस करता हूँ या मैं महसूस करती हूँ आई फील ये हो गया इसका मेन कि मैं महसूस करती हूँ वेरी यानी बहुत एक्टिव फुर्तीला महसूस करती हूँ या तेज़ महसूस करती हूँ कब इन विंटर सर्दियों में यानी कि मैं सर्दियों में बहुत सक्रिय महसूस करती हूँ बिकॉज मतलब क्योंकि आई स्वेट स्वेट का मतलब होता है जो पसीना होता है उसको इंग्लिश में स्वेट बोलते हैं पसीना आना आई स्वेट लेस लेस का मतलब कम मुझे क्योंकि मुझे पसीना कम आता है पसीना कम आता है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है यह है इसका मीन क्या है आई फील वेरी एक्टिव इन विंटर बिकॉज़ आई इज स्वेटलेस मैं सर्दियों में बहुत सक्रिय या तेज़ फुर्तीला महसूस करती हूँ क्योंकि मुझे पसीना कम आता है माई मदर नेक्स्ट क्या है माई मदर टेक्स आउट अब यहाँ पर टेक्स आउट आउट का मतलब होता है साथ में है ना फिक्स्ड है इसका मीन कि निकालना आउट निकालना तो माई मदर टेक्स आउट तो सिंपल टेंस है एफॉर्मेटिव सेंटेंस ही है नेगेटिव का तो यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है नेगेटिव सेंटेंस नहीं है एफॉर्मेटिव माई मदर टेक्स आउट अब यहाँ पर टेक आउट का मतलब होता है निकालना टेक्स आउट दिया है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर टेक जो है एक वर्ब है तो माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए टेक्स लगा है ठीक है माई मदर टेक्स आउट निकालती है ठीक है टेक आउट करना टेक्स आउट निकालना माई मदर टेक्स आउट क्या निकालती है वुलन क्लोथ्स वुलन मतलब ऊनी क्लोथ्स मतलब कपड़े एंड और ब्लैंकेट्स यानी कंबल एट द बिगनिंग एट द बिगनिंग का मतलब क्या है शुरू में ठीक है शुरू में ऑफ विंटर टू कीप अस वम वाम का मतलब होता है गर्म और कीप मतलब होता है रखना मतलब कि मेरी माँ सर्दियों की शुरुआत में सर्दियों की शुरुआत मतलब शुरू में एट द बिगनिंग एट द बिगनिंग हमें गर्म रखने के लिए यानी वॉम रखने के लिए कीप अस अस का मतलब हमें और कीप मतलब रखना हमें गर्म रखने के लिए ऊनी कपड़े क्या ऊनी कपड़े मतलब क्या कहेंगे वुलन क्लोथ्स ऊनी कपड़े निकालती है ठीक है ऊनी कपड़े और कंबल निकालती है टेक्स आउट आगे क्या है कि मैनी यानी कि कई रेयर मतलब दुर्लभ जो बहुत ही कम दिखाई देते हैं बहुत कम होते हैं दुर्लभ ठीक है बर्ड्स यानी पक्षी कैन बी सीन इन विंटर सर्दियों में कैन बी सीन यानी देखे जा सकते हैं सर्दियों में सर्दियों में कई दुर्लभ पक्षी देखे जा सकते हैं जो बहुत कम दिखाई देते हैं ना मैनी रेयर बर्ड्स कैन बी सीन देखे जा सकते हैं इन विंटर सर्दियों में तो ये सेंटेंस जो है ना कैन के बाद बी लगा है और फिर सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है यानी कि जब एक्टिव से पैसिव में हम सेंटेंस चेंज करते हैं जब मॉडल होता है ना तो मॉडल में क्या होता है जैसे कैन लगा यहाँ पर कैन के बाद कोई भी मॉडल होगा शुड होगा एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो कैन भी हो जाएगा शुड होगा तो शुड भी हो जाएगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो इस प्रकार से आप कंटिन्यू जैसे जैसे रीडिंग करने की हैबिट डालेंगे रीड करेंगे ट्रांसलेट करेंगे और ग्रामेटिकल पोर्शन जब पढ़ेंगे ना इंग्लिश का तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा तो यहाँ पर कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का ये रूल होता है ठीक है मैनी बर्ड्स कैन बी सीन इन विंटर मतलब ऐसे दुर्लभ जो होते हैं ना पक्षी वो देखे जा सकते हैं सर्दियों में इन विंटर आई एन्जॉय विंटर इन्जॉय मतलब आनंद लेना विंटर सीजन यानी सर्दियों की जो ऋतु होती है ठीक है वो बिकॉज माई फ्रेंड्स क्योंकि मेरे फ्रेंड uh, मित्र एंड आई कैन प्ले इन द स्नो मैं सर्दियों के मौसम का आनंद लेती हूँ मज़े लेती हूँ मैं सर्दियों के मौसम का विंटर सीजन सर्दियों के मौसम का आनंद लेती हूँ आई एन्जॉय विंटर सीजन आनंद लेना बिकॉज क्योंकि लेती हूँ तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है आई के बाद एंजॉय वर्ब है ना उसके साथ ऐसे एस नहीं लगा क्योंकि आई क्या है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट तो आई इंजॉय विंटर सीजन मैं सर्दियों के मौसम का आनंद लेती हूँ बिकॉज क्योंकि माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्त एंड मतलब और आई आई uh, यानी मैं और कैन का मतलब सकना कर सकना आई कैन प्ले तो क्या कर सकना आई कैन प्ले मैं खेल सकती हूँ इन द स्नो में स्नो में बर्फ में इन यानी मे स्नो में बर्फ में मेरे दोस्त बर्फ में खेल सकते हैं मैं और मेरे दोस्त बर्फ में खेल सकते हैं तो पूरे का क्या मीन है कि आई इंजॉय विंटर सीजन बिकॉज माई फ्रेंड्स एंड आई कैन प्ले इन स्नो मैं सर्दियों के मौसम का आनंद लेती हूँ क्योंकि मैं और मेरे दोस्त बर्फ में खेल सकते हैं तो ये भी सिंपल टेंस में है तो यहाँ पर ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है प्रेजेंट टेंस में था और इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही काफ़ी सारे सेंटेंसेस आए हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कॉर्न एजुकेशनल वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच